हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। इसी थॉट के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी करियर लाइफ में, करियर में आप लोग के क्या जो है एक रीसेंट फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। करियर लाइफ में आपकी करियर लाइफ में क्या हो सकता है? प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की फॉर देयर करियर। प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है ये रिवर्स आया। थ्री ऑफ सॉर्ड जो है आपको पता है एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंसान, आप हो सकता है आपको ऐसे लगता है जैसे आप दुखी हैं किसी ना किसी वजह से। या तो आपने, आपको, आपके जो आपका वर्किंग एरिया है जहाँ पे आप जॉब करते हैं या जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पे किसी ने आपको कुछ ऐसा, ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स कह लो या फिर कुछ ऐसा बोला है जिससे आपका मन जो है बहुत ही हर्ट हुआ है या दुख हुआ है आपको, या फिर आपने, आपको किसी ने एक तरह से काफ़ी जो है, मतलब जैसे कहते नहीं आप, मतलब आपके दिल को हर्ट किया है बातों से, ठीक है। स्पेशली यही मुझे नज़र आ रहा है। और बताएं डिवाइन कि मेरे व्यूअर्स के करियर लाइफ में क्या है। ओके, नेक्स्ट है नाइन ऑफ कॉइन्स। तो आपको कहा जा रहा है वैसे जो है आप एक अबंडेंट हैं, मतलब अबंडेंट माइंड सेट में हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई बैड लक चल रहा है, लेकिन आप जो है इस चीज़ से परेशान नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल एक गुड लक का कार्ड होता है और जो आपके लिए आया है जो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपका लक खराब है, लेकिन कुछ किसी के कुछ कहने से आपका जो है दिल जो है दुखा है, ठीक है। आपको लग रहा है किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है। और बताएं भगवान जी, नाइन ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कॉइन्स क्यों आया है? ओके, देखिए नाइन ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस का कार्ड आके ये बता रहा है कि करियर लाइफ में आपके जो है जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका करियर होने वाला है। मतलब करियर लाइफ में आप जो है एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं और आपको ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जैसा आपका दिल चाहता है ना, जैसे किसी जॉब में आप मान लो सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या फिर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप जैसा आपका मन जो है, जिस तरह की प्रोग्रेस, जिस तरह की एक कंपैटिबिलिटी, जिस तरह की एक फुलफिलमेंट चाहता है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ में कैसा है। सेवन ऑफ कॉइन्स, देखिए आपको कहा जा रहा है हो सकता है आप जो है, आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन आप ओवर एम्बिशियस बनते जा रहे हैं, मतलब और तो आपको ये एक एक गाइडेंस की तरह ये सेवन ऑफ कॉइन्स जो है रिवर्स आके मुझे ये बता रहा है कि ये जो है आपको, आपको ये बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको जो है थोड़ा सब्र भी रखना है। ज़्यादा जो है कहते ना, ज़्यादा 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 के चक्कर में आप कई बार जो आपके पास है आप उसको भी जो है एक तरह से उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन बताएं और मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ से रिलेटेड, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है ये कार्ड ये भी दिखाता है, लेकिन ये रिवर्स आया है तो ये ओवर एम्बिशियस होने को बता रहा है मुझे। देखिए नेक्स्ट है पेज ऑफ कॉइन्स। कुछ चीज़ें आपने अपने करियर लाइफ में कुछ थोड़ी इमेच्योरिटी के कारण भी आपको काफ़ी लॉसेस हुए हैं। आपको चाहिए कि आप अपना जो आपकी दूरदर्शिता है या आप जो चीज़ सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वो जो है अपने तक ही रखें, वो ज़्यादा लोगों में उसको फैलाएं नहीं, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, गार्ड अप होके रहें। कुछ चीज़ें आप, आपको नहीं समझ आती लेकिन आप समझते हैं, आप अपने वही जैसे एक होता है ना इनोसेंसी से वो चीज़ बता देते हैं, लेकिन लोग उसी चीज़ को लेके आप समझते हैं कि ये आपके वेलविशर हैं और वही लोग आपकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं स्ट्रेंथ? बैक बिचिंग करके, या फिर कहीं ना कहीं आप देखो ना, अभी इस पिक्चर में एक बिल्ली है, कहीं ना कहीं ये बिल्ली जो है यहाँ पे दिखा रही है कि कुछ लोग हैं जो आपके इस तरक्की से या आपके इस आगे बढ़ने से वो ऐसा नहीं चाहते कि
लेकिन आप उनको अपने सारे भेद बता देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़े आप अपने गार्ड अप करके रहें। ओके वाओ, देखिए नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कॉइंस। किसी तरह की आपका कोई काम रुका हुआ था, या फिर कोई जॉब आपने ट्राई किया था चाहते थे, या फिर कोई प्रोग्रेस, कोई जैसे होता है ना कि एक इंक्रीमेंट, वो आपको मिल सकती है। क्योंकि एस ऑफ कॉइंस एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि कुछ चीज़ें भगवान ने एक रिवार्ड की तरह आपको देनी ही देनी है। वो आपके करियर में भी हो सकती हैं, वो आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं, चाहे कोई पैसा है, न्यू बिगनिंग है, स्टेबिलिटी है, वो उस रूप में आपको मिलके ही रहेंगी। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं फाइनेंस में, करियर में, तो वहाँ पे आपको ये एस ऑफ पेंटिकल आके ये भी बता रहा है कि ये चीज़ जो है, ये जो आपकी विश है या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, वो आपकी एक महीने में ही, अगस्त तक ही पूरी होती नजर आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की करियर लाइफ से रिलेटेड एक रीडिंग। ओके, टेक केयर, बाय।